ये मोनू के घर है। सो गाइस, कोई कहते हैं ये 2 करोड़ का घर है, कोई कहते हैं ये 5 करोड़ का घर है, तो एग्जैक्टली कितना करोड़ का घर है, लेट्स सी। ओके, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ज़रा अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़रा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ अरुणाचल के सबसे ज़्यादा फेमस यूट्यूबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे उनका। सो गाइस, आज मैं उनका घर दिखाने वाला हूँ, उनकी घर पे क्या क्या न्यू अपडेट्स आया है, उनकी लाइफस्टाइल दिखाने वाला हूँ। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले, आप वीडियो पर नए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना। ओके, एक गांव का लड़का निकल के मुंबई तक, दिल्ली तक पहुंचा है एंड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपना नाम बनाया, लोगों के दिल पे राज कर रहा है। सो गाइस, वो कोई और नहीं, हमारा प्यारा सा यूट्यूबर मोनू देवरी। ओके, आप सबको पता होगा मोनू ऑफिशियल इन यूट्यूब। सो गाइस, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ, इस वक्त मैं हूँ डायन एंड सम्पू देवरी बस्ती पे, यानी कि मोनू की बस्ती पे। और ये पीछे देख सकते हो, ये मोनू के घर है। सो गाइस, कोई कहते हैं ये 2 करोड़ का घर है, कोई कहते हैं ये 5 करोड़ का घर है, तो एग्जैक्टली कितना करोड़ का घर है, लेट्स सी। ओके, तो शुरू करते हैं एंट्रेंस से, यानी कि मेन गेट से। ओके, ये रहा मेन गेट, काफ़ी ज़रा सुंदर है, रिसेंटली मोनू ने बनाया है एंड नागालैंड से सेम इंजीनियरिंग आके इसको डिज़ाइन देके गया, बना के गया, और बहुत ज़रा प्यारा है। आप लोग गेस कीजिए इसमें कितना एक्सपेंडिचर गया है, कितना खर्चा हुआ है गेट बनाने में। कोई कहता है ये 2 लाख, कोई कहता है ये 3 लाख। सो आप कमेंट करके जरूर से बता देना। ओके, काफ़ी ज़रा सुंदर है, पूरा लोहा मटेरियल यूज़ किया गया है, आयरन। तो चले आगे चलते हैं, और कंपाउंड कुछ ऐसा ही वहाँ से लेके वो ऊपर तक है एंड ये यहाँ तक सब, ये जो है मोनो के कंपाउंड है। ओके, तो आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। घर का डिज़ाइन कुछ इस तरह है, काफ़ी ज़रा प्यारा लग रहा है एंड ऊपर में टीना है, रेड टीना लगाया है एंड नीचे में है एक फूल रखने के लिए रैक टाइप के बनाया है, उसमें फूल रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ये घर जो है अपने आप में बहुत ज़रा फेमस है यूट्यूब फेसबुक में, तो देख सकते हो काफ़ी प्यारा है। तो आगे चलते हैं गाइस। ओके, ये जगह कुछ ऐसा है, यहाँ पे बैठने का जगह है, ओपन फ्लोर, यहाँ पे बैठ सकते हो मेहमान वगैरह इधर पे, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे फ्लोर लगाया है ऐसा, देख सकते हो। एंड यहाँ पे कलरिंग अभी तक बाकी है, वो शायद कुछ दिन बाद हो जाएगा। तो ऐसा है, देख सकते हो यहाँ पे गेस्ट रूम में, यहाँ पर भी बहुत सुंदर से फ्लोर लगाया है। और फिलहाल यहाँ पे मोनो एडिट कर रहे हैं वीडियो एंड यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं फिलहाल। सो गाइस, आप सभी को और दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस, ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से जाते हैं मेन डोर एंड यहाँ पे है इन्वर्टर एंड यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल एंड यहाँ पे ओपन स्पेस, यहाँ पे एक भैया का रूम है और यहाँ पे अंकल का रूम है, और ये जो है मोनो का स्टूडियो और रूम, पर्सनल रूम है। तो ये है पर्सनल रूम एंड ये रिंग लाइट्स क्या क्या, अभी सामान पूरा मैसी है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो अभी तक इनकम्प्लीट है, लेकिन बन जाएगा बहुत जल्द। और यहाँ पे तख्ता ऐसा है, यहाँ पे भी नीचे में पूरा फ्लोर बनाएगा बोला है मोनू ने, तो शायद बहुत जल्द बन जाएगा, ये भी देख सकते हो ऐसा है। एंड गाइस, ऊपर तब देखेंगे तो यहाँ पे पूरा लोहा का देखने को मिलेगा आपको, पूरा लोहा से दिया है ये, देख सकते हो। अभी सिलेंडर देना बाकी है, सिलेंडर लग जाएगा तो काफ़ी ज़रा सुंदर लगने लगेगा। एंड यहाँ पे सामान रखने के लिए कुछ ऐसा बनाया है यहाँ पे। एंड गाइस, आप सभी को तो पता है एक घर बनाने में कितना समय लगता है एंड जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दीबाजी जब बनाएंगे ना ख़राब हो जाता है, इसलिए आराम से बनाओ। एंड आप सबको तो पता है बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है छोटे छोटे चीज़ को लेकर, लेकिन हम लोग ऐड नहीं करता है, तो कुछ ऐसा ही है, हर किसी को पता है आप सभी को। सो आप लोग खुद अनुमान लगाइए कितना का हो सकता है ये घर। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना का है, ठीक है, कोई नहीं बता सकता कितना का है। ओके, तो जस्ट हम लोग व्यूज़ पाने के लिए इतना करोगे इतना करोगे बोलते हैं ऐसा यूट्यूबर्स लोग। ओके, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सभी को मैं अभी डायरेक्ट ओनर से मिलाऊंगा। ओके, सो गाइस, डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट मोनू देवरी से। ओके, तो इतने छोटे से गांव से निकल के इतना दूर तक जाना, उनका लाइफ का जर्नी में जानने की कोशिश करते हैं कैसे उसने यहाँ से लेके वहाँ गया है। तो चलिए डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूबर से। Here is our brother. Welcome to my podcast. Thank you. तो आपसे हम डायरेक्ट जानना चाहेंगे, आप इतने छोटे से गांव से आप
मतलब बहुत कमती लोग, बहुत कम लोग निकल पाते हैं इसमें छोटे से गांव से। तो आपने कैसे किया, आपका स्ट्रगल था बताएंगे हमें। स्ट्रगल बोला जाए तो बहुत, अभी तो 20 मेरा अभी 4 साल हो चुका है यूट्यूब पे आया हुआ, 4 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 साल। और अभी का दिन बिफोर एंड आफ्टर, अभी का और उस वक्त का लाइफ टोटली डिफरेंट एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उस टाइम पे मेरा पास आई डोंट हैव एनीथिंग एट दैट टाइम, मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसा था, ना इज्जत था, ना नेटवर्क था, ना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मैं ऐसा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा बारे में बोलने के लिए। हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड हम लोग का घर भी नहीं था, और हम लोग का घर तूफान आने से मतलब हवा से हिलता था, ऐसा लाइक बैम्बू हाउस। तो बहुत तकलीफ से एंड प्लस पॉइंट स्कूल भी यहाँ से इतना दूर 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई भी ऐसे नहीं कर पाया, घर का सिचुएशन को देख के छोड़ना पड़ा। मैं डांस वगैरह में बहुत करता हूँ, डांस करता हूँ, मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, मैं आदमी को हंसाता हूँ, जो मुझे बहुत खुशियाँ मिलते हैं। अच्छा, तो बचपन से मैं स्कूल में भी मैं बहुत डांस करता हूँ, लाइक क्लास वन मेरा टीचर लोग को पूछ सकते हो, बहुत लोग मुझे अभी भी बोलता है वो डांसर वाला। अबे रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गया, ऐसे स्कूल में होता है ना चिल्ड्रंस डे, सब में मैं डांस करता था, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं होता था। और ऐसे करके मैंने एक मोबाइल खरीदा था, अच्छा, लाइक सेकंड हैंड मोबाइल, सेकंड हैंड फोन 2000 तक के, अच्छा, मेरा लाइफ का फर्स्ट मोबाइल। अच्छा, और वो भी लाइक मैंने एक मतलब अकाउंट खोला था, अब मैं पैसा जमा करके गया था 2000, वहाँ से निकाल के मैंने एक मोबाइल लिया था। अच्छा, मोबाइल खरीद लेने के बाद मैं बहुत नाच गाना बहुत सुनता हूँ, अपना ट्रेडिशनल गाना सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था बॉलीवुड। एंड उसके बाद ऐसे सुनते सुनते मतलब सपना दिखता था बॉलीवुड में जाऊँगा कभी दिन, अच्छा काम करूँगा, लोग मुझे जानेगा पहचानेगा। बचपन से मतलब ये सब ख्याल रखना उस टाइम पे, मतलब जो कि सपना बहुत दूर था मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए बहुत दूर की बात। हाँ, लेकिन मैं बहुत सोचता था, मैं मुझे हर कोई ये आदमी मुझे एक दिन जानेगा, वो आदमी मुझे एक दिन जानेगा। लाइक मैं जब नमसा में सब्जी बिक्री करने के लिए जाता था, तब मतलब मैजिक पे आता था, रास्ता खराब था, तो मैं ऐसे सोच सोच के आता था, ये आदमी भी मुझे एक दिन जानेगा, वो भी आदमी एक दिन मुझे जानेगा, अपने आप ख्याल रखना। संगीता दीदी बोल के, संगीता दीओरी ब्लॉगर है उसका, तो वो और उसका बेटा लाइक टिकटॉक बनाता था, तो वो टिकटॉक बनाता था इस तरह से मैं देखता था। तो मैंने उसको कॉल किया, कैसे ये किया तुम लोगों ने, बहुत मजा है, मैंने ऐसे नाइस किया, नाइस बोल के मैंने दिया। तो उन्होंने और भी मुझे 2-3 सेंड कर दिया। अच्छा, टिकटॉक खोला उस दिन, मैं गुगामुख में था, टिकटॉक खोला उस दिन, मैं जिस दीदी का घर में था उसका क्या क्या था, मैं क्या क्या पहन के वीडियो बनाने के लिए शुरू हो गया। जैसे वीडियो बनाया, फर्स्ट वीडियो वायरल, अरे वाह। मैं लाइक मैं उसका एक ग्राउंड पहना था, बाल पे पूरा बाल पे मतलब कुछ ऐसे कुछ लगाया था मैंने, इतना लंबा तक कुछ लगाया था, पाउडर पूरा क्या क्या लगा के, एक कॉलेज का वीडियो बनाया था प्रोडक्ट लगा के, तो ऐसे में वीडियो बनाया था, वो वायरल हो गया। अच्छा, लाइक 69 या 67 लाइक आ गया था, मिलियन व्यूज। देन उसके बाद धीरे 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 मैं गाँव पे आने के लिए शुरू हो गया। अच्छा, आने के बाद यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने वीडियो पे ये कहा था, वो भी मैंने देवरी बस्ती पे ही बनाया था। मैं धोती लगाने के लिए दिया था एक घर में, तो वहाँ पे मैंने बोला था उस वीडियो पे कि लाइक सभी लोग मुझे पूछता है कहाँ से हो, मेरा नाम मोनू है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, मैं पहाड़ में रहता हूँ, मैं खेती बाती करता हूँ और सब्जी वगैरह बिक्री करता हूँ, मैं ऐसे ही मैं रहता हूँ, इसलिए अब मेरा परिचय यही है गाइस। मिलियन लाइक उसमें। अच्छा, एंड उसके बाद फिर मैंने और एक वीडियो बनाया, किसने कमेंट किया कि मैं चाइना से हूँ, मेरा आँख छोटा छोटा है बोल के क्या मैं चाइना से दिखाई मिलता हूँ, तो वो नोटिस के मतलब अरुणाचल के लोग ज्यादातर मतलब देखने के लिए शुरू हो गया वो वीडियो को। ऑब्वियसली उस टाइम पे आँख ऐसा ही था मेरा, सुबह सुबह अभी तो थोड़ा बहुत ना क्या क्या कर करके बहुत कुछ डाइट वगैरह ले लेके केयर कर करके स्किन केयर, उस टाइम पे तो आँख थोड़ा बहुत ऐसा था, फूला हुआ था, लाइक गाल मुंह भी इतना भरा था, गाल भी इतना इतना बड़ा भी नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत फूला 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 था, बाल इतना तक था, लाल था बाल। फिर वो वीडियो वायरल, रातों रात वायरल, मिलियन व्यूज, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स लोग मेरा कॉपी किया था। लॉकडाउन था उस टाइम पे, लॉकडाउन का टाइम मेरा मिलियन 11 मिलियन मेरा फॉलोअर्स हो गया था टिकटॉक में,
फॉलोअर्स मेरा 11 मिलियन हो गया था। इतने लोग मुझे फॉलो करता था बॉलीवुड से, राघव सर, शिल्पा शेट्टी और प्रिंस, योबका चौधरी और करण जौहर सर, परिणीति चोपड़ा और भारती दीदी, हर्ष सर और बहुत लोग, राखी सावंत से भी, राखी सावंत भी मुझे फॉलो किया था उस टाइम पे। अच्छा। बॉलीवुड के बहुत सेलिब्रिटीज लोग मुझे फॉलो करने के लिए शुरू कर दिया था और मैं गांव पे पूरा वीडियो बनाता था, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज वो हो रहा है, गांव का लाइफ, मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा करके। फिर ऐसे करते करते एकदम बैन हो गया, फिर सोचा मुंबई जाएंगे ऐसे। उसके बाद इंस्टा पे आया, इंस्टा पे भी मैं इंस्टा पे भी नहीं था, उसके बाद टिकटॉक बैन होने के बाद मैं यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे आने के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था। उसके बाद मैं तेजू पे एक प्रोग्राम करने के लिए गया था, तबला तो फेस्टिवल, आप लोग का मिशिमी ट्राई किया था, तबला तो फेस्टिवल, वो आई थिंक मेरा थर्ड या फोर्थ प्रोग्राम था मेरा। अच्छा अच्छा। जहाँ पे मुझे 30,000 दिया था उस प्रोग्राम पे। अच्छा। तो उस प्रोग्राम पे मैं हंसाने के लिए गया, हंसाया बहुत लोगों को, मैंने हंसाया, एंटरटेन करवाया, मैंने डांस दिखाया, उस पैसा से मुझे 30,000 मिला था और उस पैसा को मैं लेके घर पे आया। उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे नया नया कर रहा था एंड मेरा दोस्त लोग था, जेम्स लिबांग, डेविड खामतीन, वो लोग भी यूट्यूब पे, वो लोग ही था एंड वो लोग भी मेरा यूट्यूब पे मेरा मिमिक्री बहुत करता था। वो लोग मुझे फोर्स करता था इंस्टाग्राम खोलो मुझे। फिर मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इंस्टाग्राम में नहीं खोलूंगा। फिर उसके बाद उस टाइम पे डेविड का जस्ट रिसेंटली टिकटॉक बैन होने के बाद ना, डेविड खामतीन का उस टाइम पे 1,85,000 ऐसे कुछ फॉलोअर्स था इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अभी तो उसका 9 लाख, अभी तो 1 मिलियन होने वाला है उसका फॉलोअर्स। एंड जेम्स लिबांग का भी 80K ऐसा था, तो मेरे पास 0 था फॉलोअर्स। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला। अच्छा। लोगों का प्रेशर से खोलने के बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए कंटिन्यू शुरू किया। उसके बाद इंस्टा पे बनाते बनाते, उस टाइम से बनाते 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 आज तो 8 लाख हो चुका है, आई थिंक 8 लाख होने वाला है, सॉरी 8 लाख हो गया, 9 लाख होने वाला, 1 मिलियन होने वाला है। वाओ, कांग्रेचुलेशन। तो इसका गा शुरुआत वहां से हुआ था एंड YouTube तो पहले से करते आ रहा है। तो ऐसे ही करके और ये आप यहां से लेके मतलब भाटी दीदी से कैसे मिला, आप थोड़ा सा बताएंगे जर्नी। मैं शूटिंग कर रहा था आफ्टरलाइफ मूवी का, तो उस मूवी पे मेरे इंस्टा पे मुझे भाटी दीदी ने मुझे फॉलो किया, मैसेज किया, मोनो मैंने तुमको फॉलो कर दिया है, गुस्सा मत करना। अच्छा। मोनो मैंने तुमको भुला नहीं है, यू आर ऑलवेज हीरो फॉर मी, लाइक उन्होंने ऐसे बोला। अच्छा। मैंने तेरा आवाज, मेरा आवाज को भी बिगड़ गया था भाटी दीदी। हाँ, देखा था मैं वीडियो। तो ऐसे करके तो मैंने बोला भाटी दीदी मैं आपको मिलने के लिए जाऊंगा, आना मिलने के लिए। फिर मैं अकेले निकल गया मुंबई के लिए। अच्छा। उस टाइम पे मेरा मैनेजर था, लाइक मैनेजर ही बोलना, मतलब उस टाइम मैनेजर ही था, वो मेरा अकाउंट को हैंडल करता था, लाइक इंस्टाग्राम का जो मेरा कोलैबोरेशन का जो मतलब जो ईमेल है, मतलब वो मेरा ईमेल को हैंडल करता था, कुंदन है उसका नाम, जो ईटानगर पे रहता है एंड वो पहले मैनेजर का हिसाब से था, लाइक ये वो मुझे पहले मैसेज दिया था, आई एम योर बिग फैन इंस्टाग्राम, सॉरी ये फेसबुक पे पहले मुझे एड रिक्वेस्ट भेजा था, मैंने एक्सेप्ट किया, उसका बाद जान पहचान हुआ, उसका बाद वो बहुत टैलेंटेड है। तो उन्होंने मेरा अकाउंट को इंस्टाग्राम पे मेरा प्रॉब्लम आ गया था, और सॉरी यूट्यूब पे उन्होंने मेरा यूट्यूब का प्रॉब्लम को ठीक कर दिया था उसका लैपटॉप पे चेक करके। मैंने बोला था मेरा कोड वगैरह ले दो, लेने के बाद ये तेरा लैपटॉप है तुम चेक कर दो तो एक बार क्या हो रहा है, मतलब मोनेटाइजेशन हो गया था लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मैं मेरा बैंक अकाउंट में दे रहा था लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 18 ईयर्स नहीं हुआ था, तो 18 ईयर्स नहीं होने के कारण से मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बैंक अकाउंट, तो इसीलिए ऐसा करके ऐसे हम लोग दोस्त बने थे। तो लाइक इंस्टाग्राम तो मैं करता था एंड पेमेंट उसका अकाउंट पे आता था उस टाइम पे, तो पैसा के लिए थोड़ा बहुत हम लोग का ऐसा हो ही रहा था। एंड उसका बाद मैं जब दिल्ली पहुंच गया, फिर उन्होंने बोला कहाँ पे हो, मैं दिल्ली, वो मुझे यकीन नहीं करता था दिल्ली में थोड़ी ना तुम दिल्ली में हो गए अभी अचानक से। फिर उसके बाद उसको पता चला दिल्ली में हो। हाँ। फिर क्या के लिए हो, मुंबई पे भाटी दीदी को मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने बोला, उसका वहाँ पे ईमेल आया, इंटरप्रेस्टाचार से भी तुम्हें कॉल आ रहा है, मोनू तुम वहाँ पे भी झाड़ के आओ। फिर उसके बाद हम लोग मतलब ऐसा लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे बात करते हैं ना, एक दिन में 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा ऐसे बात करता था। अच्छा। पे, पति पत्नी की तरह हम लोग बात करता था। वो मुझे एक दिन कॉल नहीं करने से मैं गुस्सा, मैं कॉल उसको नहीं करने से वो गुस्सा पूरा ऐसा दोस्ती मतलब लाइक ना ऐसा दोस्ती था।
6 घंटा 5 घंटा मतलब कौन बात कर, लेकिन हम लोग ऐसे बात करता था तो ऐसे तो बात करते करते मैंने ऐसे बोल दिया, नहीं तो तुम भी आ जाओ मैं अकेले हूँ। इसका बार उन्होंने बोला ठीक है होगा आऊँगा, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे हाँ मेरा मेरा अकाउंट मेरा यूट्यूब यूट्यूब से पैसा आता है, मेरा पैसा तेरा पैसा ऐसा मैं सोचता। फिर उसके बाद मैंने ए टू जेड तक टिकट वगैरह किया, मैं ऐसे निकल गया। अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करके हम लोग गए मुंबई। मुंबई पे जाने के बाद आया, आने के बाद मैंने और भी नया नया दोस्त बनाया। मैंने उस दोस्त को मैं अभी भी बहुत मिस करता हूँ, मेरा कुंदन को बहुत याद आता है कभी कभी। पता नहीं किसका नज़र लग गया, नज़र लग गया मतलब सोशल मीडिया तो क्या बोलो, आज आदमी लोग का दिमाग में अभी क्या चल रहा है, लेकिन रियलिटी किसको पता किसको नहीं पता। रियलिटी क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्यों हुआ है। इसीलिए पैसा बहुत खराब चीज है, अच्छे अच्छे दोस्त को खराब कर देता है। ये बहुत मेरे लिए एक सीख है जिंदगी में। अभी भी उस टाइम से लेके जब से हम लोगों का बीच में थोड़ा बहुत गैपिंग होने, मतलब एक्चुअली मतलब मैंने नया नया दोस्त बनाया था उस टाइम पे, बहुत रूपम लोग बितुल लोग बहुत नए नए दोस्त बनाया था। एंड उस टाइम पे आई थिंक उसका भी दिल में आई थिंक ये जगह बना होगा कि मोनू मेरा अच्छा दोस्त है। और हम लोग भी तो ऐसा फील करता है, जो अपना खुद का दोस्त होता है वो अगर किसी के साथ और दूसरे दोस्त के साथ अगर बहुत ज़्यादा क्लोज में होता है हम लोग को भी खराब लगता है। सही बात। आई थिंक मेरा दोस्त को ऐसे खराब लगा होगा, उसको भी हर्ट क्या होगा, इसलिए वो बहुत खराब पाके खराब आया है। वैसे अभी भी मैं रिलेस करता हूँ वो सब चीज़ें। मैंने उस टाइम पर नया नया दोस्त बनाया था, उन लोगों को मैं बहुत मदद किया था, लाइक आईफोन भी रूपम को मैं खरीद के दिया था। आई थिंक उसको वो भी मुझे आईफोन मांग रहा था, लेकिन मैं तो उसको पैसा ही देता रहता हूँ महीना महीना, वो खुद ही मेरे अकाउंट से पैसा जो खरीदना है मेरा पैसा से खरीद करके ले लेता है वो। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं सोचता था मतलब होगा आईफोन खरीदने के लिए मैंने उसको पैसा भी दिया था, लाइक 30,000 ऐसा कुंदन को। अच्छा। मेरा खुद का पैसा से खरीदा नहीं, उसके बाद मैंने रूपम को आईफोन खरीद के दे दिया, तो उसमें आई थिंक गुस्सा हुआ होगा वो बहुत खराब से। आई थिंक वो सब बीच में, क्योंकि हम लोग भी तो दोस्त, हम लोग भी इंसान है, तो इसलिए डर लगता है। वो घाव अभी भी मेरा दिल को भरा नहीं है, मैं मेरा दोस्त को अभी भी मिस करता हूँ। एंड एज ए फैन बन के आया था, लेकिन दिल में ऐसे जगह बना लिया इंसान के नाते, लाइक इट्स गॉड ब्लेसिंग्स, भगवान का ब्लेसिंग्स है मेरे लिए वो। और हम लोग मिले भी हैं लाइक, लेकिन कहता है ना एक बार अगर गाँठी रच्ची अगर टूट जाता है तो उसमें जोड़ने से भी गांठ लग जाता है। हम लोग ईटानगर में जाने का टाइम पे मैं मिला भी हूँ उससे, लेकिन इतना मतलब पहला जैसा लग पहले तो हम लोग तो मतलब दोस्त होते हुए भी अभी अजनबी की तरह बात करता है, पहले जैसा नहीं होता है। तो इसलिए दोस्ती को कायम रखो। दोस्ती अगर है तो दोस्ती लोग के साथ बिजनेस कभी भी मत करो। सही बात है। पैसा का बारे में इन्वॉल्व मत करो, कुछ कुछ चीज़ें नेगलेक्ट करो, और पैसा मेन थिंग है, पैसा अच्छा सा रिश्ता को खराब कर देता है। तो सर आपने बहुत लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प किया है, चाहे वो यूट्यूब फील्ड में हो या फिर कई अलग फील्ड में भी हो, बहुत लोगों का आपने हेल्प किया। किसी किसी को तो आपने आईफोन भी गिफ्ट किया है, अच्छे से वीडियो बनाओ बोल के मोटिवेशन दिया आप लोगों आपने। एंड अभी रिसेंटली आपने नागालैंड आसाम पे जाके भी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, तो सर कैसे फील हो रहा है आपको? मुझे लगता है हम इंसान हैं, हम लोग कब तक जिएंगे। मैंने अपना ज़िंदगी में मैंने जो सपना देखा था एक स्टार की तरह परफॉर्म करो, मुझे यहाँ पे हम लोग का लोकल एरिया में ही मुझे लाइक इस प्रोग्राम में बुलाता है। मैं एक स्टार अपने आप को मैं स्टार सोचता हूँ, लाइक बॉलीवुड का स्टार। भले ही बॉलीवुड में इतना काम नहीं किया था, क्या हुआ जाना करके तो आ गया। हाँ तो यहाँ पे मुझे लाखों लोग मुझे फेस्टिवल पे मुझे देखने के लिए तरसते हैं एक झलक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, हमें हमेशा एक दूसरे को मदद करना चाहिए, मेरा दिमाग पे यही रहते हैं। मैंने जैसे स्ट्रगल किया मेरा ज़िंदगी में, ऐसा बहुत कम लोग होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ इस इलाके में जो जो लोग मुझसे मदद मांगने के लिए आते हैं, मैं उन लोगों को 100% में देके उसको मदद कर देता हूँ। मैंने बहुत लोगों को मैंने YouTube का रास्ता दिखाया, मोटिवेशनल किया, अभी वो सभी लोग लाखों रुपये कमा के अपना पेट पाल रहे हैं, अपना सपना को पूरा कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे माता पिता को जो मुझे ऐसा सिचुएशन पे मैं पैदा हो गया और ऐसा सिचुएशन मैंने फेस किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। तो इसलिए मैं बहुत लोगों का मैं दुख एंड तकलीफ को मैं फील कर सकता हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बस यही है। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।